नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तुला राशि वाले लोगों को गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने होंगे जिनसे कि गुरुवार के दिन आप लोगों के सारे कार्य पूरे होंगे, और गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य नहीं करने होंगे जिनसे कि आप लोगों के जीवन में गुरु ग्रह की स्थितियां मजबूत रह सकें, ना कि गुरु ग्रह आप लोगों पर हावी हो सकें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है तो उन लोगों का किस्मत का साथ मिलता है, उन लोगों को हर कार्य क्षेत्र में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन के मामले में प्रगति की प्राप्ति होती है, और जिस भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति सोचता है वह सारे के सारे कार्य निश्चित तौर पर पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे विचित्र कार्य करोगे तो आपके परिवार पर भारी संकटें आती हैं और गुरु ग्रह की स्थितियां मजबूत न होकर कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणाम को भुगतना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला राशि के लोगों को गुरुवार के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ सके इसलिए आप ऐसा क्या करें। क्योंकि अगर आप गुरुवार के दिन यह कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों के जीवन में कई समस्याएं आती हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, पति और पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बात विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध में बदल जाता है। दूसरा यह भी होता है कि किसी भी कार्य को आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त होंगे और धन भी आपसे दूर चला जाता है, रुपये पैसा आपके जेब के अंदर नहीं रहता है और पैसे बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या किसी अन्य कार्य को करने पर खर्च हो जाता है। इसकी वजह से आप लोगों को इसका प्रभाव भी भुगतना पड़ता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। दोस्तों, गुरु ग्रह की अगर स्थितियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं तो आपके मान सम्मान यश के मामले में वृद्धि देखने को मिलती है, और अगर गुरुवार के दिन घर की महिलाएं बाल धोती हैं या अगर आप भी नाखून, दाढ़ी, बाल इत्यादि बनाते हैं तो इससे गुरु बहुत ही नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं। और अगर राहु गुरु पर भारी हो जाते हैं तो देखते ही देखते आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और ग्रह स्थितियाँ कमजोर हो जाती हैं, इसलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाओं को बाल, नाखून इत्यादि धोने या काटने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कराएं ताकि आपके जीवन में गुरु राहु जो है वो गुरु पर भारी ना हो सके। दूसरी बात, आप लोगों को गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए उधार देने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गुरुवार के दिन दिया हुआ उधार आप लोगों को जिस जो इंसान उधार देगा या फिर जो इंसान उधार लेगा उन लोगों के जीवन में कई प्रकार की कंगाली, कई प्रकार की मुश्किलें और जीवन में कंगाली के चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी उन लोगों के पास सही समय पर वापस नहीं मिलता है, कई बार समस्याओं का सामना भी उन लोगों को करना पड़ता है, इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी आप किसी भी व्यक्ति को उधार न दें। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर मनाई की गई है, माना जाता है इससे घर के अंदर आकाश और आकस्मिक दुर्घटना होती है, वास्तु दोष और नकारात्मकता स्थितियों को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना चाहते हैं तो आप उसमें उस पानी में आप समुद्री नमक या फिर आप अपने घर के अंदर जो नमक खाने में उपयोग करते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाएं ताकि आप लोगों को कोई भी दोष न मिल सके, बल्कि इस नमक को पोछे लगाने से माता लक्ष्मी आप लोगों के घर के अंदर खींची चली आएंगे और उसका उचित परिणाम भी आप लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा और आप लोगों के सारे कार्य भी बनेंगे।
तथा आप लोगों के गुरुग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन से लेकर जीवन की सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या अपने घर के किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरुग्रह को बर्बाद करने के बराबर होता है और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने को माना जाता है। इसलिए आप कभी भी गुरुवार के दिन माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला हो, इनको नीचा दिखाने का प्रयास या गलत ठहराने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लगातार ऐसा कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ ये हो रहा है कि धन की हानि होती हुई चली जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि सारी की सारी परेशानियों को आप समाप्त कर सकें, कम से कम आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन आपको सब्जी जो है वो बिना चाकू या बिना धारदार वस्तुओं से काटी हुई सब्जी को खाना है या फिर ऐसी चीज़ों को गुरुवार के दिन खाने से आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप कई प्रकार के ग्रहों के प्रभाव को दूर कर सकते हैं और आपको गुरुग्रह की स्थितियों को मजबूती होने का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगली बार खासकर घर की महिलाओं के लिए कि अगर आप गुरुवार के दिन भूल कर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल न चढ़ाएं, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को अपने घर के अंदर आकर्षित करने को माना जाता है। तो दोस्तों, आप पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार के दिन बिल्कुल भी जल ना दें। तो दोस्तों, यह थे वो बातें जो आप लोगों को गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने होंगे, नहीं तो आप कई प्रकार की मुसीबतों में पड़ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।